This is Dr. Hadi Baksh. In this video lecture, we will discuss mastigo mycotina under G.C. Ainsworth system of classification of fungi. This is part 1 of mastigo mycotina. These are contents of the video lecture: introduction, characteristics and features, distribution and reproduction of mastigo mycotina will be discussed in this part of video lecture. Here we are discussing the introduction of mastigo mycotina. It is a subdivision of Eumycota, are two fungi under G.C. Ainsworth system of classification. मैस्टिगो माइकोटीना के मेंबर्स को ज़ूओस्पोरिक फंजाई कहते हैं क्योंकि उनके अंदर मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पोर्स उनके लाइफ साइकिल में मौजूद होते हैं। फ्लैजिलेटेड स्पोर्स में फ्लैजिलम लगा होता है एंड दिस इज़ अ कॉमन करेक्टरिस्टिक आर फीचर ऑफ द मेंबर्स ऑफ मैस्टिगो माइकोटीना। अराउंड 75,000 नॉन स्पीशीज इस वक्त तक मैस्टिगो माइकोटीना की रिपोर्ट की गई। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज़ एन इमेज ऑफ ज़ूओस्पोर। ज़ूओस्पोर जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं, मूविंग स्पोर्स होते हैं एंड दिस ज़ूओस्पोर इज़ करेक्टरिस्टिक और जनरल फीचर ऑफ द मेंबर्स ऑफ मैस्टिगो माइकोटीना। सेंटर में आप देखें कि दिस इज़ बॉडी ऑफ द स्पोर। अपर पार्ट में आप देखें कि ये जो एक्सटेंशन लगा हुआ है इसे कहते हैं टेंसिल फ्लैजिलम। टेंसिल फ्लैजिलम एक्चुअली डेकोरेटेड फ्लैजिलम होता है या इसे फीथर्ड फ्लैजिलम भी कहते हैं। और लोअर पार्ट पे आप देखें कि दिस इज़ विपलेश फ्लैजिलम। ये विप की तरह के नज़र आता है, इस वजह से इसको विपलेश फ्लैजिलम कहते हैं। दिस इज़ अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ज़ूओस्पोर, फ्लैजिलेटेड स्पोर आर मोटाइल आर मूविंग स्पोर ऑफ द मेंबर्स ऑफ मैस्टिगो माइकोटीना। हियर वी शेयर विद यू द डिस्ट्रीब्यूशन आर हैबिटेट ऑफ द मेंबर्स ऑफ मैस्टिगो माइकोटीना। मोस्टली मैस्टिगो माइकोटीना के मेंबर्स एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, इधर फ्रेश वाटर आर मैरीन। और ये सॉइल में भी पाए जाते हैं, ये सेप्रोफाइट्स होते हैं प्लांट एनिमल डेब्रिस या डेड मटेरियल पे एंड दे आल्सो लिव एज पैरासाइट ऑन एल्गी फंजाई और अदर प्लांट स्पीशीज। मेंबर्स ऑफ मैस्टिगो माइकोटीना आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्टिव डिजीजेस इन प्लांट्स और क्रॉप्स। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हियर आर सम जनरल फीचर्स ऑफ मैस्टिगो माइकोटीना। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, थैलस मौजूद है उनमें। थाइलस उनका यूनिसेलुलर हो सकता है विथ आर विदाउट राइजोइड, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। थाइलस उनका इधर यूनिसेलुलर है या फ्लामेंटियस भी हो सकता है। फ्लामेंटियस मींस दे आर मेड ऑफ हाइफे। फ्लामेंटियस जो थाइलस है उसे माइसीलियम कहते हैं। ये हम माइकोलॉजी के फंडामेंटल या बेसिक स्टडीज़ में डिस्कस कर चुके हैं। माइसीलियम कंपोज्ड ऑफ एसेप्टेट या सीनोसेटिक हाइफे, ए करेक्टर ऑफ लोअर फंजाई। उनका जो माइसीलियम है वो नॉन सेप्टेट या एसेप्टेट हाइफे पर मुश्तमिल होता है या बना हुआ होता है। और जो एसेप्टेट माइसीलियम है दैट इज़ एक्चुअली ए फीचर और करेक्टर ऑफ लोअर फंजाई और लेस एडवांस्ड फंजाई और ओल्डर यू नो ग्रुप्स ऑफ फंजाई। सूडोसेप्टा या फाल सेप्टम भी उनमें पाया जाता है क्योंकि एसेप्टेट है, मींस उनमें सेप्टम या क्रॉस वाल मौजूद नहीं है, लेकिन कहीं कहीं सूडोसेप्टा या फाल सेप्टम रिपोर्ट की गई हैं। सेल वाल उनका मौजूद है उनमें, दैट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन एंड ग्लूकोन। फ्लामेंटियस उनकी जो ग्रोथ है, माइसीलियम की जो ग्रोथ है वो एपिकल है, ऊपर की तरफ है एंड दे हैव सेंट्रिक न्यूक्लियर डिवीजन। सेंट्रिक न्यूक्लियर डिवीजन मीन्स देयर न्यूक्लियर डिवीजन इन्वॉल्व सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स इन्वॉल्व होते हैं न्यूक्लियर डिवीजन में, जो दूसरे ग्रुप्स ऑफ फंजाई में नहीं होते। सेंट्रियोल की जगह दूसरे फंजाई में होते हैं स्पिंडल पोल बॉडीज, जिसे कहते हैं SPB। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव है। ये सेप्रोफाइट्स भी हैं और पैरासाइट्स भी हैं, ये हम पहले से थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं एंड दे आर ऑल्सो डिस्ट्रक्टिव प्लांट पैथोजेंस। फ्लैजिलेशन जो हम पिछले स्लाइड में देखे आए हैं, ज़ूओस्पोर, मोटाइल स्पोर, फ्लैजिलेटेड स्पोर या मूविंग स्पोर जिसमें फ्लैजिलम लगा हुआ होता है,
This flagellation is a key or important distinguishing characteristic or feature of the lower fungi that is present in zoospores of the members of Mastigomycotina. आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हेयर वी आर डिस्कसिंग द रिप्रोडक्शन अमंग द मेंबर्स ऑफ Mastigomycotina. देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन अकरिंग इन Mastigomycotina. दे आर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ज़ूओस्पोर्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें होता है बाय फ्रेगमेंटेशन. वेजिटेटिव हाइफे ब्रेक होता है फ्रेगमेंट्स में और हर फ्रेगमेंट जर्मिनेट करता है इनटू अ माइसीलियम. या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय गैलेमेटोस्पोर्स और जीमाई. उसमें जो हाइफल टिप होते हैं वो उनमें स्वेलिंग होती है और वो सेपरेट होते हैं बाय सेप्टम, और सेपरेशन के बाद वो गैलेमेटोस्पोर के तौर पे एक्ट करते हैं या जीमाई स्पोर के तौर पे एक्ट करते हैं और वो जर्मिनेट करते हैं एंड देन फॉर्म माइसीलियम. उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूओस्पोर्स के थ्रू होता है, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. दिस इज़ अ जनरल फीचर अमंग द मेंबर्स ऑफ Mastigomycotina. इनमें जो वेरिएशन है वो है टाइप ऑफ फ्लेजिलम एंड पोजीशन ऑफ फ्लेजिलम प्रेजेंट एंड नंबर ऑफ फ्लेजिलम के कितने फ्लेजिलम मौजूद हैं, कौन सा टाइप ऑफ फ्लेजिलम मौजूद है, टेंसिल है या विप्लेश है, और वो कितने फ्लेजिलम मौजूद हैं, एक है या दो मौजूद है. नंबर वन, दिस इज़ पोस्टेरियरली यूनिफ्लेजिलेटेड यू नो विप्लेश टाइप ज़ूओस्पोर्स. नंबर वन में ये है कि एक फ्लेजिलम होता है और वो पोस्टेरियर साइड पे अटैच होता है, और वो जो फ्लेजिलम टाइप है दैट इज़ विप्लेश टाइप ऑफ फ्लेजिलम. नंबर टू है एंटेरियरली यूनिफ्लेजिलेट टेंसिल टाइप ज़ूओस्पोर्स. इसमें ये है कि एक फ्लेजिलेट है, एक फ्लेजिलम है जो एंटीरियर या फ्रंट साइड पे अटैच है एंड दैट इज टेंसिल टाइप ऑफ फ्लेजिलम. नंबर थ्री है बाई फ्लेजिलेट ज़ूओस्पोर्स. बाई फ्लेजिलेट ज़ूओस्पोर्स में दो फ्लेजिलम अटैच होते हैं. They are either attached at the apical position or they are attached at laterally या side पे लगे होते हैं. उनमें से एक विप्लेश फ्लेजिलम होता है, दूसरा टेंसिल टाइप फ्लेजिलम होता है, लेकिन वो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. अगर विप्लेश फ्लेजिलम फ्रंट पे है तो इट विल मूव बैकवर्ड, अगर वो टेंसिल फ्लेजिलम बैकवर्ड पे अटैच्ड है तो इट विल मूव फॉरवर्ड्स. इनका मूवमेंट अपोजिशन डायरेक्शन में होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय गैमेटिक कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन और गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट. ये टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं.